उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वैसे मैं अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रही हूँ। उनकी कमी मुझे बहुत महसूस हो रही है, क्योंकि ना वीडियो अकेले बनाना बहुत मुश्किल है सच्ची। और अब तो मैं मिस करना शुरू हो गई हूँ। यार आनी प्लीज़ आ जाएँ आप, तो फिर हम मिल के व्लॉग्स बनाएंगे या फिर मतलब आपके साथ शेयर करेंगे। जल्दी आ जाएंगी वो। तो मेन चीज़ जो मैंने आज की वीडियो में डिस्कस करनी थी कि मेरी वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपने पार्ट वन देखा होगा वीडियो का। तो वैक्सीनेशन तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ही, और मैंने आप लोगों से भी मैंने भी स्पेशली दरख्वास्त की थी कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई वो ज़रूर जाके लगवाएं, क्योंकि ये मस्ट है। तो मैंने भी लगवा ली है और मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि आप भी लगवा लें। उसके बाद वैक्सीन लगवाने के बाद सबसे जो मेन काम है वो है वैक्सीनेशन कार्ड। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्ट्रीम ऑफ डिटेल्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं ये कहाँ हूँ। तो जी मैं कपड़े वगैरह नहीं खरीदने आई, मैं आई हूँ नदीम स्टूडियो ये अपना वैक्सीनेशन कार्ड बनवाने के लिए, क्योंकि वैक्सीनेशन तो मेरी कंप्लीट हो गई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे पता किया जाए कि जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो बनाना ज़रूरी भी है कि नहीं है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। तो जी आज हम आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले वैक्सीनेशन की डोज कंप्लीट हुई है, तो अब हम इसका कार्ड बनाते हैं। अब हम इसे पूछते हैं कि वैक्सीनेशन कार्ड बनवाना ज़रूरी भी है कि नहीं है। एक चीज़ मैंने आपसे जो स्पेशल रिक्वेस्ट करनी है व्यूअर्स, के आप प्लीज़ हमारी फुल वीडियो देखा करें, चाहे खुद ना देखें, वीडियो को ऑन करके आप लोग मतलब अपना कोई भी जो काम है अधूरा वो कर लें। असल में इस तरह फिर हम बहुत हर्ट होते हैं, क्योंकि आप पूरी वीडियो नहीं देखते तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। तो आपसे ये दरख्वास्त है मेरी कि जो भी वीडियो होती है आप मैक्सिमम, अगर फुल नहीं देख सकते ना तो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट की ज़रूर देख लिया करें। ज़्यादा तो अब हम आजकल तो बनाए बहुत छोटे व्लॉग्स हैं, तो उनको भी अगर मतलब 2 मिनट का व्लॉग है तो अगर आप उसको 1.5 मिनट का भी देख लेंगे तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। तो प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे तो हम और अच्छी वीडियोस बनाएंगे। और प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें कि मतलब आपको कैसी वीडियो चाहिए या जो भी है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, आपके मतलब जो जो ग्रुप्स हैं बने हुए अपने फैमिली सर्कल में स्टेटस लगाएं, और मतलब जितना हो सकता है प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएँ, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आए आपको फ़ौरन पता लगे। तो चलिए आप बताएं कि आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड जो है कि नहीं है। जी हमारे पास यही 2 तरह के होते हैं, एक वैक्सीन कार्ड होता है और ये वैक्सीनेशन कार्ड। अच्छा, तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है? ये जो वैक्सीन कार्ड ये प्लास्टिक पे बनता है। अच्छा। और ये फोटो पेपर पे बनता है, उसके बाद इसे लैमिनेशन कर देते हैं। अच्छा, मतलब ज्यादा बेस्ट कौन सा रहता है? ज्यादा बेस्ट ये रहता है क्योंकि ये प्लास्टिक पे बनता है। अच्छा ठीक, तो मुझे कौन सा बनवाना चाहिए? आपको ऐसे ये वाला बनवाना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट है। चलें ठीक है, अब हम बनवाते हैं। तो ये स्टूडियो भी है और एक तरफ से इसे हम बुटीक भी कह सकते हैं, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। और तो कितना टाइम लगेगा? ये आपको घूमना से 20 मिनट मतलब अभी बन गया। सो वैक्सीनेशन कार्ड मेरा बन गया है। मैं उसी टाइम गई थी, मैं जाकर वैक्सीनेशन कार्ड बनवाई थी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये 2 डिफरेंट किस्म के कार्ड हैं। ये आने का भी बन गया है, मेरा भी बन गया है। और ये आने का थोड़ा डिफरेंट है, मेरा थोड़ा डिफरेंट है। और ये आप देख सकते हैं, और मतलब ये इसकी फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो अब आप कहेंगे कि ये ज़रूरी है कि नहीं है। जी ज़रूरी तो ये बिल्कुल है, क्योंकि अब जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा है, अनाउंस किया है कि जहाँ पे भी आपने मतलब सफ़र करना है या कहीं जाना है, कहीं
मतलब रेस्टोरेंट में भी जाना है तो आपको वैक्सीनेशन कार्ड ज़रूर दिखाना होगा। तो हमने तो बनवा लिया है और मुझे भी बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने असल में जो व्लॉग बनाया था वहाँ जाके स्टूडियो में, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे भी मैं जैसा चाह रही थी वैसा नहीं बना क्योंकि बार बार कस्टमर्स का आना जाना और फिर देखना पड़ता है, इस वजह से फिर वो कम मतलब जिस तरह मैं चाह रही थी वैसा नहीं बना, लेकिन बन बहुत अच्छा गया। स्टूडियो में गई थी तो मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैंने पहली दफ़ा इस तरह मतलब किसी शॉप में जाके बातचीत करके शॉपकीपर से या वो जहाँ जो वहाँ लोग होते हैं उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मतलब जो बैठे बैठे उन्होंने भी बहुत अच्छा कॉपरेट किया। मैंने उनसे बात की कि मैंने वीडियो बनानी है, व्लॉग शूट करना है अपने चैनल के लिए तो मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो उन्होंने बिला झिझक मुझे इजाज़त दे दी कि जी आप बनाएं। तो मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी और बातचीत की। जो मैंने उनसे पूछा उन्होंने मुझे मतलब सही से बताया और उन्होंने मुझे वीडियो भी शूट करने दी, तो उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ। और बहुत मज़ा आया मुझे वहाँ पे और उन्होंने कार्ड भी बहुत अच्छा बना के दिया है तो उनका थैंक्स। और तो उम्मीद है आपको मेरी वो पहले वाली वीडियो भी पसंद आई होगी और ये वाली भी वीडियो पसंद आई होगी। और अब मैं आपको फिर से दरख्वास्त ही करूँगी कि अपनी वैक्सीनेशन जल्द अज जल्द कम्प्लीट करवाएँ और अपना वैक्सीनेशन कार्ड बनवाएँ और एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। और अब मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।